प्रेरणा कथा, कच्चे धागे। वह उसका सामना करने को तैयार थी। वो उस पर क्रोधित नहीं होना चाहती थी कि कहीं उसके क्रोध को देखकर वो उस पर और भी स्नेह लुटाने लगे। अब उसने अपना रास्ता अलग कर लेने का निर्णय ले ही लिया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ बातें साफ कर लेना चाहती थी। वो अपने मन में कोई भी ग्लानि का भाव लेकर अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन समस्या यह थी कि वो उसको सीधे सीधे ये भी तो नहीं बता सकती थी कि उसने एक और पुरुष से मिलना शुरू कर दिया था। वो बस कोई कारण चाहती थी जिससे वो उससे आसानी से संबंध तोड़ सके। वो कई दिनों से सिर्फ एक कारण खोजने का प्रयास कर रही थी जिससे कि वो उससे अपने संबंध को आसानी से तोड़ सकती थी। जब उसको कोई भी बहाना या कारण नहीं मिला तो उसने खुद ही एक काल्पनिक कारण तैयार कर लिया और उससे विवाद करने लगी। वो समझ गया था कि वो जानबूझकर उसको उस बात को इतना बढ़ा रही थी। उसको ये भी एहसास होने लगा था कि वो अब उससे दूर जाना चाहती थी। वास्तव में वो उसको उससे भी अधिक अच्छे से जानता था। ये बिल्कुल साफ था कि वो किसी कारण को बताकर जाना चाहती थी ताकि आरोप उस पर ना आए। वो जैसा वो चाहती थी वैसा करने को तैयार था। वो चाहता था कि वो जो चाहती थी वो उसको मिल जाए और वो खुश रहे। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सामने खड़ी सुन रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर यह प्रमाणित कर देना चाहता था कि वो खुद ही उनके संबंध विच्छेद का कारण था। वो बहुत जोर से प्रयास करने लगा। वो जानता था कि वो गलत थी, पर वो नहीं चाहता था कि वो उसको गलत प्रमाणित कर दे। अंत में उसने खुद ही कह दिया कि वो अब उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। वो उसको अपने सामने खड़ा देख रहा था। वो आंसू बहा रही थी। वो सब कुछ समझ रहा था और वो ये भी जानता था कि वो रोने का नाटक कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश थी। वो खुद भी तो क्रोधित होने का नाटक ही कर रहा था। उसका खुद का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, पर वो क्रोधित होने का नाटक ही करता ही रहा। वो जानता था कि वो उस गम से कभी भी नहीं उबर सकेगा। वो उसको मुक्त कर देना चाहता था। वो हरावे में उसको खुश देखना चाहता था। वो जानता था कि वो उसके साथ रहकर खुश नहीं रहेगी। चाहता तो वो उस पर आरोप लगा सकता था कि वो खुद ही उससे दूर जा रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो चाहता तो उसको ग्लानि से भर देता और वो सारे जीवन पश्चाताप करती रहती। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो दिल की बहुत बुरी थी। वो अपनी उसी बुराई को अपने दिल में नीचे दबाई हुई थी। विडंबना ये थी कि वो भी ये जानती थी कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था और वास्तव में ही वो ही बुरी थी। वो धीरे धीरे चलकर उससे दूर जाने लगी। वो उसको जाते हुए देखता रहा। वो चाहता तो था कि दौड़कर उसके पीछे जाए और उसको रोककर अपनी बाहों में भर ले और फिर से अपने प्रेम को व्यक्त कर दे। वो चाहता था कि वो उसको कह दे कि वो उसके नए प्रेमी से हर हाल में अच्छा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। जब वो उससे बहुत दूर पहुंच चुकी थी, वो खुशी से चिल्लाने और नाचने लगी। वो वास्तव में ही खुशी से भर गई थी और इस बार वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। उधर वो अपने कमरे में बैठा जोर जोर से रो रहा था और वो भी नाटक नहीं कर रहा था। वो उसको समझ नहीं सकी थी। वो जैसे ही अपने घर के सामने पहुंची, उसका फोन बजने लगा। उसका नया प्रेमी था। मैं 10 मिनट में तुमको लेने आ रहा हूं। 10 मिनट में उसके घर के सामने एक लाल चमचमाती हुई कार खड़ी थी। वो भी तब तक कपड़े बदलकर बाहर आ रही थी। वो रात भर उसके साथ क्लब में नाचती रही और खूब मजे में रही। उसने कभी भी इतने महंगे क्लब में पांव भी नहीं रखा था।
अपने नए प्रेमी की अमीरी ने उसको नशे में डुबा दिया था। पहली रात को वो शराब का स्वाद भी चख बैठी। कई रातों तक यही क्रम चलता रहा। फिर एक दिन वही हुआ जिसके लिए वो नया प्रेमी उस पर इतने पैसे लुटा रहा था। उस रात होटल के कमरे में वो खुद को लुटा बैठी, बस इसी आशा में ही कि वो उससे शादी करेगा। पर उस लड़के ने कभी भी ये वादा नहीं किया था। बस उस रात के बाद वो नया प्रेमी उसको कम मिलने लगा। कई के बार तो कई के दिनों तक वो फोन भी नहीं करता था। अपने कमरे में कई घंटों तक रोने के बाद वो फिर से अपनी किताबों में डूब गया। वो 2 वर्षों तक खूब मन लगाकर पढ़ता रहा और उसने एमएससी में देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसको आगे पढ़ने के लिए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने स्पॉन्सर कर दिया। 3 वर्षों के बाद वो अर्थात डॉक्टर रमन आहूजा जब भारत आया तो समाचार पत्रों में उसके बारे में लेख छापे गए थे। उसको सरकार ने एक बहुत उच्च पद में बैठा दिया। उधर वो अपने कमरे में एक ग्लास में से शराब के घूंट भरते हुए आंसू बहा रही थी। इस बार आंसू असली थे। वो एक निजी स्कूल में एक साधारण सी टीचर ही बन पाई थी। सभी लोग जानते थे कि वह शराब पीती थी और अपने घर में अकेली ही रहती थी। पुरुष से उससे दूरी भागते थे। समय ने कुछ ही वर्षों में उसको जीवन की वास्तविकता दिखा दी थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसके दरवाजे की घंटी बजी। वो नशे में उठी और गुस्से से दरवाजा खोल दिया। पहले तो वो उसको पहचान ही नहीं सकी, पर जब ठीक से देखा तो वही था। वो उसका सामना नहीं कर सकी और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर के बाद वो उसके सामने बैठी बोल रही थी, मैं गलत थी, मैं तुम्हारे योग्य नहीं थी। मैं ऊंचाइयों में उड़ना चाहती थी और तुम बहुत ही सच्चाई से सच्चा प्रेम करते थे और ईमानदारी से अपनी किताबें पढ़ते थे। जीवन ने मुझे बहुत जोर की चपत मारी है। तुमको जो कुछ मिला है तुम उसके योग्य हो। मैं तो ग्लानी से भरी हुई एक बहुत ही खराब औरत हूं। वो आगे बढ़ा और उसको अपनी बाहों में भर लिया। मैं सब कुछ जानता हूं, पर मैं अब भी तुमसे प्रेम करता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अमेरिका जा रहा हूं वापस। मैं तुमको अब हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वो उसके कदमों में झुक गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने झुककर उसको उठाया और सीने से लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।